मुरे कुछ नया करते हैं, मजा मुंह का बदलते हैं, कुछ नया दिखा कुछ नया सुना, है इरादा अपना शेरो शायरी का। वैसे मैं उस्ताद हूँ शेरो शायरी के हुनर में, सुनाते होंगे शायरी अब बहरों के शहर में। टक्कर मतलब अपने उस्ताद से, शायरी सीखी है हमने भी इलाहाबाद से। ऐसे घर में शेर पढ़ दूं अधूरा, कर देगा पूरा उसका जमूरा। जुल्फ बिखरा दे तो अंधेरा हो जाए, सर मुंडा दे तो सवेरा हो जाए। सारे रिश्ते सारे नाते सारे वादे तोड़ के, दिल मेरा मुझसे ले गई वो पंजा मरर के। नैन से नैन जब वो मिलाता है, मेरी आंखों में खौफ छा जाता है। पानी पीना पड़ेगा पाइप का, शब्द पढ़ना पड़ा है टाइप का। यहाँ की कई कहानी पढ़ी लिखी है, यहाँ की हर सियानी। शिक्षा से पहुँचा कोई फायदा भी है, इस बात का तो मुझे पता नहीं है। तो फिर लिए लेते हैं इम्तहान इनका, पता करते हैं है कितने पानी में ज्ञान इनका। भाई रामधन, आपके बाल तो बाल बाल ही बचे हैं। बड़ों से मजाक करता है, वैसे भी ये मजाक का वक्त नहीं काम का वक्त है। हाँ तो आप दोनों हमारा खेल समझ गए? हाँ जी हाँ समझ गए, ये ठीक रहेगा। हम भी देखें हमारे गांव की औरतन में खाली शिक्षा ये या के साथ साथ कछु बुद्धि भी। वैसे आप लोग अपने घर के आसपास ही रहना। आप लोग फिकर मत करो, बस अपना ये भेष बदल के घर पहुँचो। वैसे तुम्हें भेष बदलने में कितना टाइम लग जाएगा? बस 10 मिनट, और 5 मिनट में हम आपके घर होंगे। तो फिर आप लोग पहुँचो, हमने भी 15 मिनट में पहुँच रहे। तू क्या है? चमूरा। और मैं क्या हूँ? उस्ताद। तू सारा खेल खराब करेगा तू। सॉरी उस्ताद, आप कारपेंटर हो। कारपेंटर नहीं, कलेक्टर। कलेक्टर, अब रास्ते भर कलेक्टर 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 रखता चलूंगा, ठीक है? कलेक्टर 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 नहीं कलेक्टर कलेक्टर। अच्छा बता तू क्या है? वो तो मैं भूल गया, लेकिन आपसे एक सीढ़ी कमी होऊंगा। तू वीडियो है? हाँ मैं वीडियो हूँ। वीडियो नहीं वीडियो। अच्छा वीडियो यानी ब्लैक डेवलपमेंट ऑफिसर। चल रहने दे, ब्लैक डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अच्छा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अब उस्ताद कैमूरे, जिस घर में हमें जाना था वो आ गया। आ गया? हाँ चलो चलो। हाँ उस्ताद, कोई है अलग बंदा, नरिया नारी बूढ़ा या बच्चा? कैमूरे तू सरकारी अफसर है? ओ हाँ हाँ, आपके दरवाजे पे खड़े हैं दो अफसर। कैमूरे अपने बोलने का स्टाइल बदल। नमस्कार। राम राम। राम राम। आप कौन जी? मैं इस जिले का नया कलेक्टर हूँ जी। कलेक्टर यानी जिलेदार? राम जी, राम साहब जी। राम राम, 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 राम। और जे? ये है मैं जमू जमादार जी। एक्चुअली ये इनका नाम है श्री जमादार सिंह, ये इस क्षेत्र के नए वीडियो है जी। राम राम जी, ब्लैक डेवलपमेंट ऑफिसर। राम राम साहब जी, आओ जी। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, आओ जी आओ, अंदर आओ जी। धन बाग हमारे, आओ जी आओ, आओ साहब जी, बैठो जी, बैठो साहब जी, बैठो बैठो साहब जी, मैं पानी और गुड़ लेके आ रही। बैठो साहब जी, मैं पानी और गुड़ लेके आ रही। पानी वानी तो हम पी के आए हैं। हाँ हाँ, पानी वानी तो हम पी के आए हैं, लेकिन गुड़ खा के नहीं आए। मैं ला रही, अभी ला रही गुड़, अभी ला रही। उस्ताद जमूरे, फिर उस्ताद। उस्ताद फिर जमूरे। अच्छा तू मुझे सर बोल। मैं आपको सरदर्द कह सकता हूँ? नहीं, कलेक्टर बोल। कंडक्टर चलेगा? वो आ रहे हैं। वेरी गुड, फाइन सर।
दिस इज माय प्रोग्राम, माय राम राम टू योर प्रोग्राम। लो वीडियो साहब जी, गुड़ खाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। आप भी लो साहब जी। मुझे डायबिटीज है ना जी। मुझे आज पता चला कि आपको डायबिटीज है। उस तरह से अपने डायबिटीज का ऑपरेशन करवा दीजिए। बहुत मजा किया है। बड़े मजा किया लगे वीडियो साहब जी। यही तो मेरा धंधा, कभी पेड़ के नीचे आके मेरा खेल दे। पेड़ के नीचे? पेड़ के नीचे ये है ना जी, मीटिंग लेते हैं जी को, तो उसी पेड़ पे फल की तरह लटका के नीचे सड्ढे और खोपड़ी पे। अरे लो, आप लोगों की बातों में तो मैं रामधन और वहां के बापू को बुलाना ही भूल गई। सारे कटाई में लग रही ना, मैं अभी बुला के ला रही। नहीं, 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 हमको आप ही से काम था। आप आइए बैठ। जिल्लदा साहब है ना? जिल्लदा साहब वो पांच जिले के कलेक्टर को जिल्लदा कहते हैं। वीडियो साहब आप जरा चुप रहेंगे या मैं आपको चुप करूं? मुझे जरा जरूरी काम करने दीजिए ना। जो हुकुम उस्मान साहब। मेरा नाम उस्मान है, पहाड़ी उस्मान है। बड़ा अच्छा नाम है। हाँ, इनके बाप दादा ओमान से आए थे। जी बताओ कलेक्टर साहब के ओमान से आके आपके पुरखे जहाँ पे कहाँ बसे? ओमान से अंडमान आ गए। अंडमान? वो अंडमान निकोबार वाला अंडमान? आपको पता है ये सब? हाँ जी बिल्कुल, ये जो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में भारत का नक्शा टंग रखा, वहाँ में देख रखा मैंने। आप पढ़ती हैं? हाँ जी बिल्कुल पढ़ती हूँ। अच्छा, क्या क्या पढ़ती है? हिंदी अंग्रेजी की गिनती पढ़ ले हुए हूँ, अक्सर जोड़ जोड़ के शब्द पढ़ ले हुए हूँ, और जोड़ घटा तो मुझे पहले भी आवा था, लेकिन अब मैं कलम से कापी पे जमा घटा गुना भाग सब कर ले हूँ। अच्छा ना, आप ये दस्तखत कर लेती हैं? हाँ जी, वो तो मैंने पिछली बारिश में ही सीख लिए। पहले तो मैं धीरे धीरे करे थी, अब तो मैं फटाफट करे हूँ। अरे पर हम आपका नाम पूछना ही भूल गए। रामवती देवी श्रीमती राम अवतार। रामवती जी श्रीमती राम अवतार, आपकी उम्र क्या होगी? जी 60 से कम का होगी। बापू कहे थे कि जिस साल अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा उठा था, मैं उस साल पैदा हुई थी। तो आप ये बताओ, जिस साल हमारा देश आजाद हुआ था, तो आप कितने साल की रही होगी? जी मैंने प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में पढ़ा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा 1942 में उठा था और भारत आजाद हुआ 1947 में, तो इसका मतलब मैं 5 साल की थी जब भारत आजाद हुआ था। रामवती जी हम है ना एक योजना शुरू कर रहे हैं। अच्छा, कौन सी योजना? उसमें जो बड़े बूढ़े लोग हैं ना, हर महीने उनको 1500 रुपए पेंशन में मिलेंगे। अच्छा, योजना क्या है जी? ऐसा है, बीडीओ साहब आपको एक फार्म देंगे और 1500 रुपए देंगे, आपको उस फार्म पर दस्तखत करने बस। ये लीजिए माता जी, फटाफट दस्तखत कीजिए और फौरन अपने रुपए के लिए। आप तो सिर्फ दस्तखत कर दीजिए ना, बाकी की ऊपर की कार्रवाई है ना दफ्तर में कर लेंगे। देखो जी, आप लोग बड़े अफसर हो, जे सही है, पर मैं बिना पढ़े बिल्कुल दस्तखत ना करूंगी। का लिख रखो, मैं बीच में जगह खाली जहाँ पे शायद नाम लिखा जाएगा। जी, हाँ जी। मैं ये घोषणा करती हूँ कि मैंने आज दिनांक, फिर जगह खाली, दिनांक जहाँ पे तारीख भरी जागी, को श्री उस्ताद सिंह से 1500 रुपए उधार लिए हैं, जो मैं 2 महीने के अंदर अंदर 20% ब्याज की दर से वापस कर दूंगी। हाँ, ये तो कछुआ लिखा रखो है। गलती से दूसरा कागज चला गया। हाँ जी, अब तो मैं इसे पूरा ही पढ़ूंगी। और जब तक मैं रुपए वापस ना कर दूंगी,
मेरा मकान श्री उस्ताद सिंह के पास गिरवी रहेगा। हैं? अच्छा तो तू वीडियो है गो हैं? और तू कलेक्टर है? नहीं नहीं मैं तो वीडियो वीडियो नहीं हूँ, मैं तो जमुना हूँ। मैं उस्ताद हूँ। मोए अनपढ़ समझ के धोखा देने आ रहे हैं? नहीं 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 हम आपको धोखा नहीं दे रहे थे, हम तो आपका इम्तिहान ले रहे थे। बिना लठ के ना मानोगे तुम लोग? हमारा विश्वास कीजिए। आप हमारी बात तो सुनिए। अब तो तुम्हारी बात मारो लठ्ठी सुने को ठहर जाओ। 100 रुपए पे 2 लाख जमाऊंगी, एक मूलधन को एक ब्याज को। जय बजरंगबली, जय मूलधन को जय ब्याज को, जय साधारण ब्याज को जय चक्रवृद्धि। ये तो अपने जमुना उस्ताद भाई हैं। लठ छोड़। ये देखिए माता जी, आप इन लोगों से पूछ लो, हम तो वास्तव में आपका इम्तिहान लेने आए थे। अरे अम्मा तू तो बड़ी अकलमंद हो गई है। अरे मैं तो ये समझू था कि ये यूं ही मन बहलावे पे पड़ती है। अरे मारी बुद्धि मोट है ना तुम दोनों की तरह, आपकी तो सिर्फ लाठी मोटी है। और खाएगा? नहीं। अच्छा ये बताइए क्या आपको पता था कि कागज के बिना पढ़े साइन नहीं, मेरा मतलब है दस्तखत नहीं करना चाहिए? ना जी पहले से तो ना पता थी, वो तो जब मैंने प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में जाके अपना नाम लिखना और दस्तखत करना सीखा तो वहाँ पे हमारे मास्टर साहब ने बताई। दस्तखत करने का मतलब केवल दस्तखत करना नहीं, हाँ अपने अंगूठे को गंदा होने से बचाना भी है। अब देखिए आप लोग दस्तखत करना सीख गए हैं, लेकिन अगर आप आंख मूंद कर हर कागज पर दस्तखत करना शुरू कर दें तो फिर इस शिक्षा का क्या फायदा? हाँ मार्ट साहब कह तो ठीक रहे तुम। क्या करना चाहिए मार्ट साहब? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दस्तखत कहाँ करने हैं, और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमें बिना कागज पड़े हुए उस पर दस्तखत नहीं करना। ठीक है? ठीक है। चलो आज की पढ़ाई हम यही खत्म करते हैं। मैं क्या हूँ? ट्रैक्टर। ट्रैक्टर नहीं, इधर ना मैदान साफ कर। कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर उस्ताद। जमुरे उस्ताद, बीच बीच में मुझे उस्ताद तो नहीं बोलेगा? मैं आपको खाज खुजली दाद बोलूंगा लेकिन उस्ताद नहीं बोलूंगा। ठीक है जमुरे, मैं भी तुझे छिछोरा बोलूंगा लेकिन जमुरा नहीं बोलूंगा। तो फिर चले उस्ताद। हम लोग मिट्टी खोदने के ठेकेदार हैं और इस जगह पर शाम तक एक ट्रॉली मिट्टी खोदनी है, कर सकेंगे आप लोग ये काम? कर सकेंगे, क्यों ना कर सकेंगे, जरूर करेंगे। तो फिर खोदो। पर पैसा कितना मिलेगा? भाई पूरे दिन काम करने का 100 रुपया। ठीक है हम कर लेंगे, पर शाम तक मजूरी हमें मिल जानी चाहिए। हाँ अरे मिलेगी जी, क्यों नहीं मिलेगी? कंट्रैक्टर साहब देखो, जब हमें मजूरी दोगे ना उस समय आप हमारे साथ रहना। जरूर। ये मुंशी का क्या भरोसा? जरूर रहूंगा, जरूर रहूंगा। अब काम शुरू करो। हाँ भाई करो। हम काम तो शुरू कर देंगे, पर ऐसा है कि अपने खाते में पहले हमारा नाम लिखो, फिर हमारे को जितनी मजूरी मिलनी है 100 लिखो, तभी शुरू करेंगे हम काम। चलो भाई मुंशी जी। हाँ जी। नाम लिखो। अच्छा जी एक मिनट रुक जाओ, चलो सब लोग अपना अपना नाम लगाओ। मेरा नाम है रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी। रामबती देवी। रामबती देवी का। देवी का शांति। शांति भाई चलो अब लगातार 10 घंटे काम करो। ठेकेदार साहब किसी और गांव में जाकर के खोद लो मिट्टी, हमको तो 1 बजे 1 घंटे की छुट्टी चाहिए रोटी खाने के लिए। हाँ और 6 बजे के बाद काम ना करेंगे हम। देखो जब तक एक ट्रॉली मिट्टी खुदनी जाती तब तक काम करना होगा, समझे? रे मुंशी जी ये सर्कस ना है कि जानवर की तरह उनकी जान निकलने तक उनसे काम ही लेते रहोगे तुम। अरे पर बात तो एक ट्रॉली मिट्टी की हुई थी ना। बात एक दिन की मजदूरी की हुई है, हमें भी मालूम है कायदे कानून। तुमने क्या कायदे कानून की किताब पढ़ रखी है? हाँ। पढ़ तो ना रखी पर हमें ज्ञान जरूर है। हाँ। नहीं नहीं ये कैसा ज्ञान? अरे हमें मार्ट साहब ने दिया है ये ज्ञान। मार्ट साहब? हाँ।
हाँ ये लिखा है श्रम। श्रम का मतलब? शर्म का मतलब शर्म करना और का। शर्म नहीं शर्म, शर्म श, ये देखिए श म और उसके ऊपर आधा र, ये है शर्म। और मैंने जो लिखा है ये है श्रम। श्रम का मतलब? तो इसका मतलब तो हमें ना पता। अरे भाई श्रम, ये मेहनत करने को श्रम कहते हैं और आप लोग जो मजदूरी करते हैं उसको भी श्रम कहते हैं। और जो मजदूरी मिलती है उसे क्या कहें? उसे कहते हैं पारिश्रमिक, यानी के मेहनताना। श्रमिक मां साहब, दूसरा शब्द और लिख दो। एक मिनट, ये श्रम और पारिश्रमिक से मुझे याद आया, आप लोग भी तो कभी ना कभी मजदूरी करते होंगे। खलिहान से तो काम ना चले आए, थोड़ी बहुत मजदूरी जो खाली समय में मिल जाए उससे घर में दो पैसे ज्यादा आ जाए। अजी कहाँ आया करें हैं, 10-10 घंटे की मजदूरी के बाद भी सिर्फ 30-40 रुपए हाथ लगे हैं। हाँ वो इसलिए कि आप लोग जानते नहीं कि सरकार ने आप लोगों के लिए मजदूरी की प्रतिदिन की दर तय कर रखी है। अजी तो 30-40 ही तय कर रखी होगी और का, क्यों री? 80-90 तो जरूर होगी। अरे हाँ इससे ज्यादा भी हो सकती है, और फिर 8 घंटे से ज्यादा आपसे कोई काम ले भी नहीं सकता। मार्ट साहब हमें तो याद ही ना है कि हमने कभी 10-12 घंटे से कम की मजदूरी की हो। और इसके साथ आपको 1 घंटे का खाने के लिए भी छुट्टी देना जरूरी है। रहने दो मार्ट साहब, हमें तो ठेकेदार लोग कहा करें कि फटाफट से 10 मिनट में चना चबेना खा के अपना काम शुरू करो। वो इसलिए के काम करवाने वाले जानते हैं कि आप लोग अपने अधिकारों के बारे में कुछ नहीं जानते, और ना ही आप सरकार के द्वारा बनाए हुए कानूनों के बारे में कुछ जानते हैं। अरे तो कौन सा सरकार ने घर घर में कानून की किताब बांट रखी जो हमें पता हो? अरे प्रौढ़ शिक्षा का यही तो फायदा है जी। आप समझ गए हम तो? बताओ समझे कहाँ से मिला हम सबन को ज्ञान? समझ गए जी समझ गए, अब जरा खुदाई शुरू करो। पहले हमें खाता दिखाओ कि तुमने हमारा नाम सही लिख रखा कि नहीं। हाँ और मजूरी भी ठीक लिखी है कि ना लिखी? नेल कटर साहब। नेल कटर नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कटर। गलती हो गई जी। अच्छा कॉन्ट्रैक्टर साहब रजिस्टर दिखा दे। और कोई चारा भी तो नहीं है मैम। लीजिए आप सभी लोग रजिस्टर देख लो। नाम तो सही लिख रखे पर मजूरी के खाते में 100 की जगह 125 लिख रखे। क्यों जी, तुमने यहाँ लिखी 125 है और बात करी 100 की? हमें अनपढ़ समझ रहे। 100 रुपए में पक्का हुआ, 100 रुपए पकड़ो चलते नजर आओ यहाँ से। और क्या, हम क्या रजिस्टर में 1,00,000 रुपए लिखे? हमारी मर्जी है? हमें तो 200 रुपए और सरकार से लो हमारे नाम पे 125 रुपए, और 25 रुपए गए इनकी जेब में। अरे बहनो पकड़ो इन्हें। कौन है? चलेंगे चलो चलो। अरे सुनो, अरे कौन है जो आप लोग समझ रहे हो? कौन है? ताई नाम ताई से पूछ लो। ताई बहनो ये तो उस्ताद और जमूरा हो गए। अरे ये तो दोनों हम सबन की परीक्षा ले रहे थे कि हम सब ने सिर्फ पढ़ना लिखना सीखा या अपना अच्छा भला बुरा समझना भी सीखा के ना। ये देखो जी मैं चमूर मैं उस्ताद। फिर से हो गई ना फिर तुम दोनों के। आप लोग शिक्षा का सही मतलब समझे। धन्य आप लोग। जमूरे उस्ताद मैं क्या हूँ? बॉडी बिल्डर। बॉडी बिल्डर नहीं सिर्फ बिल्डर। बिल्डर ठीक बोला। ठीक बोला। और तू क्या है जमूरे? असिस्टेंट है के जी। असिस्टेंट असिस्टेंट समझा? ये अंग्रेजी शब्द है। और क्या? मैं समझाई पंजाबी है असिस्टेंट। अब तो बिल्डर भूलेगा नहीं ना? नहीं भूलूंगा। जैसे बिल क्लिंटन वैसे बिल्डर। बिल नाम है
और बिल्डर बिल्डिंग बनाने वाले को कहते हैं जमुरी। समझ गया। और जो गेट बनाता है उसे बिल गेट कहते होंगे। भूल के भी बीच में मुझे उस्ताद मत बोलना जमुरी। ठीक है, मैं आपको जमुरा बोलूंगा। और मैं तुझे उस्ताद बोलूंगा। चलेगा। सपने देख रहा है? हाँ। इधर आ, सितारे भी देख। कहाँ है सितारे? नजर आया? आ गए, आ गए। असिस्टेंट। यस सर। भाई वो सद्दाम हुसैन से तीन तेल के कुएं मंगवाए तो उनका क्या हुआ? सर उसने रजिस्ट्री करवा दी है। उससे कहो रजिस्ट्री से भाई कुरियर से भेजे। ओके ओके सर, तीनों तेल के कुएं कुरियर से पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब तो कुरियर लो साइड में। हलीमा जी, हम आपका ये मकान 10 लाख रुपए में खरीदने के लिए तैयार है। अरे टूटे फूटे घर की कीमत तो 1 लाख रुपया भी ना है। अरे मैं यहाँ होटल बनवाऊंगा। हाँ, चाय का होटल, 5 स्टार होटल, 5 स्टार होटल। हाँ हाँ, जहाँ एक कप चाय 495 रुपए 90 पैसे में। लेगो इंजन का ऊपर की ऊपर और नीचे के नीचे। अगर आपको 10 लाख रुपए कम लगे तो हम 12 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। असिस्टेंट। यस सर। चेक का तो सर बस चाकू लाना तो भूल ही गया। असिस्टेंट। यस सर। हाथ से का तो जरा ठहरो भाई, इस गांव में इतनी जगह तो आपको 50,000 रुपए में भी मिल जाएगी, तो मेरा ही घर का ही खरीदना चाहो। असिस्टेंट। यस सर। समझाओ। आपको पता नहीं आपका घर ना पूरी दुनिया के बीचों बीच है। और हमने पूरी दुनिया के पैमाने की हुई है इंची टेप से। असिस्टेंट। यस सर। पूरे 20 साल लगे इस काम को करने में। नहीं सर, पूरे 20 साल 31 महीने और 13 दिन लगे। और हलीमा जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरे 70,000 मजदूर इस काम पे लगे थे, तब जाके ये काम पूरे 20 साल में कंप्लीट हुआ। आई मीन मेरा मतलब है कि पूरा हुआ। यस सर। पर यहाँ तो कोई ना आया। अरे आपके गांव की बाजी आई ना तो रिमोट कंट्रोल इजाद हो गया था। हम लोग ऑफिस में बैठे बैठे रिमोट कंट्रोल से इस गांव की अंदर पैमाइश क्या कर देते। असिस्टेंट। यस सर। चेक का तो पक्का होने दो। चलो 15 लाख दे दो, आप तैयार है ना? पर जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त के कागज भी तो हुआ करेंगे। असिस्टेंट। यस सर। कागज निकाल कर बहन जी के दस्तखत ले लो। और वैसे इस होटल में एक स्टोरी आपके लिए हो। स्टोरी? कहानी। कहानी? ये सब क्या आपको किसी कहानी से कम लग रहा है? लो हलीमा जी, चाहे तो अंगूठा लगा दो, चाहे तो दस्तखत कर दो। जल्दी कीजिए, देखिए शाम को 3 जहाज आने वाले मजदूरों को लेकर नींव खोदने के लिए। हाँ तो मैं कह रहूंगी। अरे हवाई जहाज में जब जी चाहे उड़ा लीजिएगा। और हाँ हलीमा जी, शाम होती रस्से से उसे भैंस के साथ बांध देना। हाँ हलीमा जी, रस्सी जगह मोती होनी चाहिए। अरे आप इतना सोच क्यों रही हैं? हलीमा जी फटाफट दस्तखत कर लो और 15 लाख का चेक लेके छुट्टी कर लो। ठहरो तो। आई बात समझ में? आई। क्या आई? अच्छा एक बार फिर बताइए, मैंने आपको क्या बताया था? जमीन जायदाद का कोई भी सौदा बिना कागजी कार्रवाई के नहीं करना चाहिए। और ऐसे हर सौदे की रजिस्ट्री भी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। और कुछ? वो भी कोर्ट कचहरी में। और रजिस्ट्री स्टाम्प पेपर पे की जाती है। बिल्कुल ठीक। और कुछ? सादे कागज पे की हुई लिखा पढ़ी मान्य नहीं होती। हाँ। बिल्कुल ठीक। असिस्टेंट। यस सर। ये तो बहुत टाइम ले रही है यार। हाँ सर, इनका सोचने का प्रोसेस ना बहुत धीमा है। मैं फास्ट करता हूँ। शायद हलीमा जी अब बहुत ज्यादा सोच रही हैं। असिस्टेंट। यस सर। 20 लाख का चेक का तो ये घर तो मैं आपको 2 लाख में ही बेच दूंगी। लेकिन दस्तखत कचहरी में करूंगी, स्टैम्प पेपर पे, और वहीं वकील के सामने मुझे चेक भी दे देना। अच्छा अच्छा अच्छा, हम हारे आप जीती। मतलब हम आपकी परीक्षा ले रहे थे। अब फंस गए तो झूठ बोल रहे हैं। अरे हम वाकई आपकी परीक्षा ले रहे थे। पूरे गांव के सामने तुम दोनों के मुंह पे कालिख नहीं पुतवाई तो मेरा नाम हलीमा नहीं। अरे हम सच बोल रहे हैं। हम इस गांव में सभी को जानते हैं। राम की ताई, रुक्मणी बहन, शांति बहन। हाँ, और राम बहन भाई, और राम। मैं कुछ नहीं जानती। गिन के 20 लाख जूते मारूंगी तुम दोनों को, चाहे कुछ भी हो जाए। बोले, से बताओ। अरे हलीमा बहन छोड़ दे, क्या कर रही,
ये दोनों तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुमने पढ़ लिख के कितनी अकल सीखी। हाँ अरे ये तो उस्ताद और जमूरा है। हाँ हमने तो 20 लाख के चूरे के नोट भी नहीं देखे। क्यों भाई हमारे गांव की औरतें आपकी परीक्षा में खरी उतरी या नहीं? बिल्कुल उतरी, बिल्कुल उतरी। ये तो मार्ट साहब आपकी मेहनत का फल है। अरे नहीं नहीं भाई ये सब तो आप लोगों की शिक्षा हासिल करने की लगन और उस पे अमल करने का फल है। जमूरे उस्ताद किसी और गांव चलते हैं, यहाँ सब पढ़े लिखे हैं। उस्ताद एक आइडिया है। बोल जमूरे। उस्ताद हम उन गांव में जाएंगे जहाँ कोई भी पढ़ा लिखा ना हो, वहाँ जनता को बटोर के 6 गांव की कहानियाँ सुनाएंगे ताकि वो पढ़ने के लिए प्रेरित हो सके। बिल्कुल सही उस्ताद। इसी बात पे एक शेर हो जाए। पर शेर पढ़ेगा उस्ताद अधूरा, कर देगा पूरा उसको जमूरा। विद्या देवी के नाम हाजिर है हमारा कलाम। बहुत डूबतों को उभारा है तूने, बिगड़तों को अक्सर संवारा है तूने, उखड़ते दिलों को जमाया है तूने, उजड़ते घरों को बसाया है तूने, बहुत तूने पस्तों को बाला किया है, अंधेरों में अक्सर उजाला किया है, फिर मिलेंगे गर खुदा लाया। चल जमूरे उठा।